हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुज़ैमी ज़ायका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिल्ली चिकन की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उसे हम परफेक्ट तरीके से डालते हैं तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और धोकर साफ कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, ये चिकन को गलाने में काम करेगा, 1 टीस्पून सोया सॉस। एक बाउल में अलग एक अंडा लेंगे, उसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसे भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा होममेड है, इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने का वीडियो चैनल में आ चुका है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा। इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे मैरिनेशन करने के लिए 1-2 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे ऑन स्पॉट भी बनाएं। अब एक फ्राई पैन में हम इतना तेल डालेंगे जिससे चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाएं। तेल जब गर्म हो जाएगा तब एक एक करके हम चिकन के पीसेस तेल में डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। अब चिकन के पीसेस को हम गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन के पीसेस अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएंगे, हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए पीसेस भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चलिए हम फ्राई किया हुआ चिकन के पीस को चेक करते हैं। तो ये पीस अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून तेल, 6-7 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हम 3-4 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 क्यूब शेप में कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज की प्याज, उनको भी हमने क्यूब शेप में ही कट किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। इन वेजीज को हम 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, हमें इन्हें गलाना नहीं है। बस 2-3 मिनट के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक अलग बाउल में लेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और नॉर्मल पानी डालकर इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम धीरे धीरे ग्रेवी में डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम में रखते हुए एक बॉयल ले लेंगे। जैसे ही मिक्सचर मिलाने के बाद एक बॉयल आ जाएगा, हम फ्राई किया हुआ चिकन भी इसी में ट्रांसफर कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ग्रेवी और चिकन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो बस एक से दो मिनट तक हम इसे और कुक करेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बस इस तरीके से हमारा चिली चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए अब रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे मेरे बताए हुए मेथड से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर इसे शेयर करें। आपके कमेंट से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। आपको कोई भी नई रेसिपी की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। चैनल में नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हुज़ैमी ज़ायका को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।